कहना जानना चाहूंगी जिस तरह से आपकी अलायंस टीवी पे हमने देखी है, किस तरह से खतरों के खिलाड़ी में आप दिखने वाली और क्या कुछ होने वाला है? खतरों के खिलाड़ी में बहुत कुछ होने वाला है जो मैंने कभी नहीं किया है, और अदाएं बिल्कुल नहीं देखने मिलेगी, बल्कि बहुत ज़्यादा डरी हुई अदा दिखेगी आपको, लेकिन ओवरऑल बहुत मजा आया मुझे। ओके, बीइंग एन एक्टर कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है टास्क को करना, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके फैंस जो है वो आपको उसी तरह से देखने वाले हैं, तो क्या लगता है कितनी ज्यादा आप कॉन्शियस थी जब आप टास्क परफॉर्म कर रही थी? बहुत ज्यादा फ्री थी? मैं बिल्कुल फ्री नहीं थी, कौन फ्री होगा यार ऐसे खतरनाक टास्क में। बहुत डर था और बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ी है। ऊपर वाले को बहुत याद किया मैंने, मम्मी को बहुत याद किया मैंने हर टास्क करते वक्त, सो ऑफ कोर्स वी वर लाइक रियली स्कैर्ड। बात की जाए डर की, तो बचपन से कोई ना कोई डर होता है, तो कोई ऐसा डर जो आपको बचपन से रहा हो और आपको किसी चीज़ का किसी चीज़ की ऐसे लगा हो कि आप ऐसे थोड़ा डरती हूं? आई नेवर हैड एनी सच फोबिया, बट वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ों से डर लगा। वहाँ ऐसे ऐसे चीज़ें हमने देखी है जो कभी ज़िंदगी में नहीं देखी है, और वो सब देख के अपने आप फोबिया बढ़ गया। लेकिन टास्क करते वक्त वी वर लाइक के बॉस यू नो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नेवर गिव अप, सो दैट्स व्हाट हैपेंड। ओके, रोहित शेट्टी की बात की जाए तो वो टास्क के दौरान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो आपके लिए कितने स्ट्रिक्ट रहे हैं हमेशा, कितना आपको मोटिवेट किया? आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, और आई डोंट थिंक उनके बिना हम ये कोई भी टास्क कम्प्लीट कर पाते, सो आई थिंक ही वॉज अ ग्रेट सपोर्ट एंड ही रियली मोटिवेटेड अलॉट। ओके, टास्क की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टास्क जो परफॉर्म करने की बात आती थी, तो कौन सबसे एकदम एंथुजियास्टिक रहता था और कौन एकदम थोड़ा सा पीछे पीछे होता था कि मैं नहीं? कोई भी, हम में से कोई भी एंथू नहीं होता था, बिकॉज हम सबकी पटी पड़ी थी किसका नंबर आएगा, क्या है क्या नहीं है, सो इट वॉज वेरी स्कैरी। ओके, लास्ट में जानना चाहूँगी कि जिस तरह से BTS मोमेंट्स आप लोगों ने क्रिएट किए हैं शो के पहले ही, काफ़ी ज़्यादा उसको पॉपुलैरिटी मिली है, क्या कहेंगे कि आपने पर्सनली दिया? BTS बहुत इंजॉय किया, बट ऑन सेट टास्क करते वक्त बहुत डरे हैं हम। या ओके, लास्ट में कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो कि आपको मुझे बताना होगा कि किस तरह से टास्क की बात की जाए अगर, तो सबसे ज्यादा टास्क मास्टर कौन है? धर्मेश। सारे टास्क बहुत अच्छे से करता था। हम सभी डरपोक थे यार। ओके, सरप्राइज विद टास्क। सरप्राइज विद टास्क, जिसने सरप्राइज किया हो टास्क के दौरान? तेजस्वी, वेरी गुड। कैमरा कॉन्शियस? वी आर ऑल एक्टर्स यार, सो नो वन वाज कैमरा कॉन्शियस। फनी ऑल द टाइम? तेजस्वी। बूटी? करिश्मा। ओके, टास्क अबॉर्ड करने वाला? शिवन। नो वन, आई थिंक मे बी करण पटेल। बलराज। करिश्मा। आई थिंक वहाँ पर हमें कुछ डाइट वाला नहीं मिला, वी ऑल वर ईटिंग, सो आई डोंट थिंक वहाँ डाइट कॉन्शियस कोई भी था। सेल्फी क्वीन? देयर वाज सो मच स्ट्रेस दैट नो वन इवन थॉट अबाउट सेल्फीज। तो क्या कहेंगे, इन सारी चीज़ों को तो आपको देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो लोग, तो क्या मैसेज? आई थिंक सबको यही कहूँगी कि आपने मुझे अलग अलग किरदार निभाते हुए देखा है, यहाँ पर मैं एज अदा हूँ आपके सामने, इट्स माय फर्स्ट रियलिटी शो, सो उम्मीद करती हूँ जैसे आप सबने मुझे हमेशा प्यार दिया है, वैसे ही आप मुझे हमेशा प्यार देते रहे। थैंक यू।